urine for glucose test. Articles required for urine glucose test: Benedict solution, test tube holder, spirit lamp, matchbox, urine sample. 5 ml Benedict solution को test tube में लें, फिर इस Benedict solution को स्पिरिट लैम्प के नीचे गर्म करें। इस बात का ध्यान रखें कि टेस्ट ट्यूब का मुंह दूसरी तरफ हो, ताकि किसी भी तरह की घटना से बचा जा सके। टेस्ट ट्यूब को तब तक गर्म करें जब तक कि उसके भीतर उबाल आना शुरू ना हो जाए। उबाल आना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें 8 ड्रॉप्स यूरिन डालेंगे। फिर दोबारा इस सॉल्यूशन को स्पिरिट लैम्प के नीचे गर्म किया जाएगा जब तक कि उबाल आना शुरू ना हो जाए। अब हम इस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे और उसमें ठंडा होने के बाद जो कलर में चेंजेस आ रहे हैं उसे देखेंगे। यदि टेस्ट ट्यूब में उपस्थित सॉल्यूशन का कलर नीले रंग का है तो इसमें ग्लूकोज की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी, और यह अगर परिवर्तित होकर हरे रंग में परिवर्तित हो गया है तो ग्लूकोज की उपस्थिति +1 है। पीला रंग का उपस्थिति 2+ माना जाता है, और नारंगी से लाल रंग का उपस्थित होने पर यह 3+ माना जाता है, और यदि यह बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा लाल हो जाता है तो 4+ है।